हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। वीडियो के टाइटल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप वो इंसान होंगे जो कहीं ना कहीं शीन से या ऐसे शॉपिंग साइट से शॉपिंग करते होंगे जहां पे जो फुटवेयर है वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव मिलता होगा, काफी अच्छे रेट में मिल जाता होगा। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट डेफिनेटली ये शीन का बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। इनिशियली मैं कभी शॉपिंग नहीं करती थी अजियो से, आई वॉज थिंकिंग अरे यार पता नहीं सही वेबसाइट है कि नहीं, एंड पहले मैं शीन से ही शॉपिंग करती थी तो मुझे इस वेबसाइट को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ऐसे ऑल्टरनेटिव्स खोजने चाहिए ना जो शीन को रिप्लेस कर सके, एंड डेफिनेटली जब मैं जिस शॉपिंग साइट की बात कर रही हूँ अजियो, वो एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है शीन के लिए। वहां पे ब्रांडेड कपड़े भी मिलते हैं, प्लस उनके खुद के कुछ ब्रांड्स है उसके कपड़े भी मिलते हैं, उसकी फुटवेयर्स भी मिलते हैं, बहुत सारी एक्सेसरीज मिलती है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप अजियो का ऐप जरूर डाउनलोड करो, बहुत ही अच्छा है, मेड इन इंडिया ऐप है। तो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, बता देती हूँ कि मैं आज पांच डिफरेंट टाइप ऑफ फुटवेयर, जिसमें प्रिसाइजली हील्स है एंड एक फुटवेयर है जो कि इट वॉज वर्थ रिव्यूइंग, क्योंकि मुझे एक ऐसी स्टील डील मिली थी ना जो कि मैं बता नहीं सकती, इतनी खुश थी। और ये शू मैंने बहुत जगह देखा और वेबसाइट में वहां पे तो अवेलेबल ही नहीं था, और ऑफिशियल साइट में बिल्कुल ऑफ नहीं था उस पर्टिकुलर शू पे। तो दैट इज आई वॉन्टेड टू मैंशन दैट, अगर आपको वो देखना है कि मैं किसके शू के बारे में बात कर रही हूँ तो आप एंड तक बने रहिए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। अगर फैन ऑफ एनिमल प्रिंट तो आपको ये सैंडल बहुत पसंद आने वाली है, तो मैं दिखा देती हूँ। ये है सी ऐसा कुछ प्रिंट है, एंड मैं हाँ एक जरूर बात बोलने वाली हूँ कि मैं पक्के से सबका साइज, सारी कुछ चीजें जो मेरा फुट साइज है उसके हिसाब से मेंशन कर दूंगी। हाँ एक बात जरूर बोलूंगी इन सारी हील्स के लिए कि आप अपने रेगुलर साइज से एक साइज बड़ा खरीदना, क्योंकि इनकी फिटिंग थोड़ी सी टाइट है, तो उस चीज का ध्यान रखना, बाकी इट्स ऑल गुड। तो मैं वही बता रही थी कि इस हील के बारे में, ये देखिए ये बहुत अच्छा फिनिश है, एंड इट्स लाइक 3.5 इंचेस हील, और काफी कंफर्टेबल है क्योंकि इसका शेप इस तरीके से है तो एकदम पेंसिल नहीं होता है, प्लस काफी अच्छा एक लुक देता है आपकी बॉडी को, पोस्चर देता है, तो बहुत अच्छा है। और इसका प्रिंट भी बहुत सुंदर लगा था मुझे, एक ऐसी पतली सी लाइन यहाँ पे है, एंड इससे क्या होता है कि जब आप इसे, अगर आपके पैर ब्रॉड हैं थोड़े से, तो ट्राई करो कि आप यहाँ पे जो ये लेते हो ना इसका पट्टी, वो थोड़ी ब्रॉड लो ताकि आपके पैर को प्रॉपर सपोर्ट मिले। मुझे ये जो सारी हील्स है मैंने एक साथ परचेज की थी, इसलिए मुझे ये कुछ 600 अराउंड में हील अराउंड 600 में पड़ी है, तो बहुत ही अच्छी डील थी मेरे लिए ये। नेक्स्ट टॉक अबाउट द नेक्स्ट हील्स, अगर आप नियॉन कलर्स या ऐसी वाली चीजों के फैन हो तो आपको पक्के से ये बहुत जोरदार पसंद आने वाली है। तो मैं बात कर रही हूँ ये हील्स की, एक्चुअली लाइट के कारण इसका कलर नहीं, या नाउ यू कैन सी आई थिंक, तो ये इसका कलर है प्रॉपर नियॉन कलर। इसमें बहुत अलग अलग शेड्स भी थे, लाइक पिंक वॉज देयर एंड ब्लू वॉज देयर, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स थे। तो डेफिनेटली चेकआउट करो अगर आपको पसंद है, मुझे तो ये नियॉन शेड बहुत पसंद था इसलिए मैंने ये परचेज किया, इट्स ब्यूटिफुल। और ये इसके स्ट्रैप्स जो है वो ट्रांसपेरेंट है, तो ऑलमोस्ट हर कपड़े के साथ जाएगा ये, तो इट्स लव लव लव। एंड मैं प्रेफर करती हूँ बिकॉज मेरा जो बॉडी टाइप है इट्स आर ग्लास एंड लिटिल बिट हैवी बॉडी, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आई टेक ब्लॉक हील्स, आई डोंट प्रेफर पेंसिल हील्स, बट या आई लव दिस। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, ये जो है ये मैंने थोड़ा सा डेली के बारे में सोच के ली थी, क्योंकि यार कभी कभी ऐसा होता है कि आप हमेशा बहुत ज्यादा हाई हील नहीं प्रेफर करते हो, क्योंकि माय हाइट इज ऑलरेडी 5'6", तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं एक या दो, दो तीन इंच से ज्यादा हील्स नहीं पहनूं, इससे ज्यादा मेरे लिए काफी ज्यादा हो जाता है, तो मैं अवॉइड करती हूँ उसको। बट ये जो नेक्स्ट हील है ये जस्ट 2 इंचेस है, और आप देख सकते हो, और ये मैंने रेगुलर के लिए ली है, जैसे आप कभी नॉर्मली जा रहे हो, मॉल वगैरह जा रहे हो, एंड आपको शॉपिंग करनी है, बहुत वॉक करना है, तो यार आप बहुत बड़ी हील्स आई डोंट प्रेफर, बिकॉज जब वैसे तो मैं शॉपिंग जाती हूँ तो आई ऑलवेज प्रेफर शूज,
बट स्टिल अगर कभी आप ऐसे जा रहे हो कि कुछ थोड़ा बहुत खरीदना है उसके बाद यू हैव टू गो टू समवेयर फॉर लंच ब्रंच और एनीवेयर, तो आपको थोड़ा बहुत हील पहनना पड़ेगा. तो फॉर दैट टाइम आई प्रिफर दीज काइंड ऑफ हील्स. एंड ऑल्दो दिस इज ऑल्सो यू नो ब्लॉक, आई ऑलवेज प्रिफर एज आई सेड अर्लियर. सो दिस इज ब्यूटिफुल, इसके स्टर्डी हैं, काफी अच्छे हैं स्ट्रैप्स और काफी अच्छी पकड़ देता है पैरों को ये. तो ये बहुत अच्छी बात है इसकी. तो आई लव दिस. एंड इसका जो शेप है सामने से, दिस इज लाइक दिस, तो काफी ट्रेंडी है. एंड इफ यू हैव ब्रॉड फुट तो उसपे भी ये अच्छा रहता है क्योंकि ये काफी अच्छे से आपके मतलब पंजे चौड़े हैं तो उस चीज को कवर करेगा. बिकॉज यहाँ से नैरो जो चप्पलें होती है उसमें क्या होता है कि अगर आपके पंजे चौड़े हैं तो कई बार प्रॉब्लम होती है, यू नो अनकंफर्टेबल हो जाता है पैरों को. तो दैट इज अ वेरी प्लस पॉइंट इन दिस. फोर्थ के बारे में बात कर लेते हैं. अब फोर्थ इज यू नो आई एम अ फैन ऑफ एनिमल प्रिंट. तो मैं हमेशा पता नहीं क्यों वो उन्हीं को ही पसंद करती हूँ. एंड दिस वन इज दिस, इफ यू कैन सी ये मल्टी कलर की है. तो इसमें एक चीज अच्छी है यार कि मतलब मल्टी कलर है तो आप काफी सारे कपड़ों पे इसको चला सकते हो, करेक्ट. और इसका हील यू नो थोड़ा सा ज्यादा है, आई थिंक इट्स 3.5 inches. इट वॉज लिटिल बिट मोर फॉर मी बट ठीक है, इट्स फाइन, मतलब कम्फर्टेबल है, इट्स गुड. ये जो है वो ट्रांसपेरेंट है तो दैट इज ऑल्सो गुड. बस ये वाला आपको जो छोटा वाला स्ट्रैप है वो दिखेगा. कम्फर्टेबल बहुत ज्यादा है, काफी ब्यूटिफुल लगता है. मैंने इसको ब्लैक क्लोदिंग, ब्लैक फुल यू नो आई हैड द जंप सूट, मैंने उसके साथ पेयर किया था. प्राइस भी कुछ 500-600 के अराउंड था, तो दैट वॉज अ स्टील डील फॉर मी. So it was a great shopping for me and I really love all these heels. अगर आप कोई अच्छा alternative देख रहे हो शीन का तो definitely इसको एक बार तो देखो, इसकी सारे you know heels and sandals and footwears को. Let's talk about the last footwear that is going to be this. This is from brand UCB and ये एक shoe है. I'm going to show you how it is. But उससे पहले मैं बता दूँ कि I was just searching for you know footwear ऐसे ही. तो मैंने देखा कि एक्चुअली मुझे हमें मतलब बहुत टाइम से एक मल्टी कलर शू चाहिए था क्योंकि मुझे आई थिंक कि मतलब एक ऐसा शू होना चाहिए आपके पास जो आपके हर कपड़े में जाए. सो आई जस्ट सॉ दिस, या दिस इज, एंड यू नो आई लव दिस कलर. एंड इसके बाद इसमें काफी सारे यू नो शेड्स थे, मुझे बहुत पसंद आया शू देख के. इनिशियली इसमें साइज अवेलेबल नहीं था तो मैंने काफी टाइम इसको स्टॉक किया. फिर यू नो बाई चांस इसमें साइज आया एंड एक्चुअली माई फुट साइज इज 25 सेंटीमीटर. तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो कि आपको कैसा आने वाला है. इसका एग्जैक्ट जो साइज मैंने मंगाया वो परफेक्ट फिट आया मुझे. इट इज ऑसम, इतना कम्फर्टेबल शूज है ये, ट्रेंडी. प्राइस आई थिंक कुछ 1700 था, 1750-1700, आई एम नॉट श्योर, आई विल मेंशन. बट आई गॉट दिस शूज यू नो इन लाइक जस्ट 800-900. इट वॉज यू नो बेस्ट डे, आई कैन से दैट. इट वॉज यू नो वेरी, आई वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर परचेजिंग दिस. दिस इज लवली शू एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक कि अगर आपको इसको चेकआउट, अगर ये सेल पे नहीं भी है ना तो आई वुड प्रिफर यू कि आप ये ले सकते हो, ये बहुत वर्दी है. बट इसको अपने कार्ट पे रखो और ट्राई करते रहो, रोज देखते रहो क्योंकि इनके प्राइस ना थोड़े बहुत कम होते हैं तो आप वो देखते रह सकते हो और जैसे कम हो आप उसको परचेज कर सकते हो. सो या दैट्स इट. तो आई होप आपको ये हॉल वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ यू वॉन्ट मी टू रिव्यू मोर हील्स लाइक दिस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ना लिंक्स भी दे सकते हो हील्स के. आई विल ट्राई टू परचेज दीज एंड विल गिव यू द रिव्यू. एंड आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को जरूर सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आप ऐसे वीडियोज को मिस ना करो. एंड इट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ. बाय बाय.